कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज आ गए हैं, भगवान श्री राम आज आ गए हैं। एक ऐतिहासिक पल, एक ऐसा क्षण, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह। मैं सोचता हूँ कि हरेक की आंखों में आंसू थे, हरेक का मन जो है मार्मिक दृश्य देखने को बेचैन था। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भगवान राम की आंखों से पट्टी हटाई और जो आंखों से उनका जो आमना सामना हो, वो अपने आप में एक ऐसा दृश्य था जो मैं समझता हूँ कोई हिंदुस्तानी, कोई हिंदू भूल नहीं सकता। और सभी लोग मैं समझता हूँ इस पल का इंतजार कर रहे थे और वो पल आ चुका है, राम राज्य आ चुका है। हम लोग अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं और राम राज्य की स्थापना आज हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि आने वाला समय भारत का है, आने वाला समय सतयुग का है, आने वाला समय हिंदुस्तान का है। और हर हिंदू को इस पर गर्व होना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि अगर से हम हिंदू हैं, हम कट्टर हिंदू हैं। और जय श्री राम के नारों से आज मैं समझता हूँ पूरा देश ही नहीं, विदेश भी और पूरी दुनिया आज जय श्री राम के नारों से गूंज रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। देखिए अयोध्या भी सजी है, रुड़की भी सजी है, उत्तराखंड सजा है, यूपी भी सजी है, पूरी दुनिया सजी है। और जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, जगह जगह लोगों में उत्साह है, जगह जगह लोग प्रसाद बांट रहे हैं, जगह जगह हलवों का वितरण हो रहा है। शाम को शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा भी बहुत जोर शोर से होने वाली है। और शाम को दीपदान का कार्यक्रम है गंगा किनारे, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, आतिशबाजी होगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। हनुमान जी, वायु पुत्र हनुमान, हवा से पुष्प वर्षा करेंगे भगवान राम के मंदिर पे। एक ऐसा अद्भुत दृश्य है जो स्वर्ग में लोगों ने देखा होगा और आज हम इसके साक्षी बन रहे हैं। हम लोग सभी सौभाग्यशाली हैं जो आज का दिन हम लोगों ने देखा और हमारे जीवन काल में ये दिन आया। जय श्री राम। रुड़की में भव्य प्रोग्राम है, रुड़की नहीं, हरिद्वार नहीं, उत्तराखंड नहीं, पूरी दुनिया में। और आज भारत को पूरी दुनिया देख रही है और आपके माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है। आज जय श्री राम का जो नारा वो आज हमारा लगा दीजिए, सब नारा लगा दीजिए। जय श्री राम।